अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि वीडियो के थंबनेल और टाइटल में आपने देखा कि हम एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन डेवलप करने जा रहे हैं विद रिएक्ट, रिडक्स टूलकिट एंड फायरबेस। इस वीडियो में हम अपनी एप्लीकेशन का एक बेसिक्स लेआउट क्रिएट करेंगे और यहां पर प्रोडक्ट्स शो करवाने के लिए मैं फेक स्टोर API का यूज करने जा रहा हूँ। फेक स्टोर API हमारे पास एक सिंपल एंड इजी टू यूज API है, ये देखिए आप। तो ये मेरे पास गेट रिक्वेस्ट है और प्रोडक्ट्स इसका एंड पॉइंट है। तो ये इतना पार्ट अगर मैं हिट करूंगा तो ये मुझे प्रोडक्ट्स का JSON डेटा मुझे दे देगा। तो ये वाली API मैं अपने Redux Toolkit के स्लाइस में कॉल करूंगा और Redux स्टोर से प्रोडक्ट्स गेट करके यहाँ पे शो करवा दूंगा। अच्छा गाइस, एक चीज ये कि अभी मैंने एप्लीकेशन इतनी ही डेवलप की हुई है, तो इन फ्यूचर जैसे ही मैं कोई नया फीचर ऐड करूंगा और जल्द ही करूंगा तो फिर मैं उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे अपडेटेड विद इट। तो अभी क्योंकि मैंने पूरी एप्लीकेशन डेवलप नहीं की हुई तो मैं आपको डेमो प्रेजेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि इस एप्लीकेशन में कौन से फीचर्स होने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास रजिस्टर और लॉगिन के लिंक्स हैं। अभी तो इन पर क्लिक करने से, हाँ ठीक है, मैं रजिस्टर के राउंड पर जा रहा हूँ और लॉगिन पर क्लिक करने से मैं लॉगिन के राउंड पर जा रहा हूँ। अभी तो मेरे पास नॉट फाउंड शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए फायरबेस का यूज करने जा रहा हूँ। और नॉर्मली एक तो हमारे पास ईमेल और पासवर्ड वाला लॉगिन होता है तो वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके अलावा फोन और पासवर्ड वाला लॉगिन भी इम्प्लीमेंट करेंगे और इसके अलावा सोशल लॉगिन्स भी हमारे पास होंगे। सोशल लॉगिन के लिए हम गूगल और फेसबुक का यूज करने जा रहे हैं। अच्छा, जब यूजर यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा तो हम ये वाले लिंक्स हाइड कर देंगे और यहाँ पे यूजर की प्रोफाइल पिक्चर शो करवाएंगे, लेकिन अगर प्रोफाइल पिक्चर नहीं होती तो हम नॉर्मली जैसा दूसरी वेबसाइट्स पे होता है, हम यूजर का फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर और सेकंड नेम का भी फर्स्ट लेटर यहाँ पे शो करवाएंगे और उस पर क्लिक करने से हमारे पास एक ड्रॉप डाउन ओपन होगा। उस ड्रॉप डाउन में हमारे पास कुछ लिंक्स होंगे और एक लॉगआउट बटन भी हम वहां पे ही शो करवा देंगे। इसके अलावा यहाँ पे हम एक कार्ट का आइकन शो करवाएंगे। इसके बाद हमारे पास अबाउट अस का सेक्शन है, ये मैंने चैट GPT से लिया था। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स शो हो रहे हैं। तो अभी तो मैं फेक स्टोर API का यूज करने जा रहा हूँ, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है कि मैं तो दूसरी API यूज कर लूँ, या फिर हो सकता है कि मैं अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो फायरबेस में स्टोर करवा के वहां से गेट करके यहाँ पे शो करवा दूँ। अगर आपको मुझे कोई सजेशन देना है या फिर कोई फीचर सजेस्ट करना है तो ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, अगर मेरे लिए पॉसिबल हुआ तो फिर मैं उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करूँगा। अब अभी तक तो मेरा इरादा यह है कि किसी भी प्रोडक्ट पर क्लिक करने से उस प्रोडक्ट का एक सेपरेट पाथ होना चाहिए और एक प्रोडक्ट डिटेल पेज ओपन होना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट पर मैं क्लिक करूँ। और यहाँ पे अभी तो मैंने प्राइस शो करवाई हुई है, तो यहाँ पे हमारे पास एक ऐड टू कार्ट का बटन होना चाहिए। तो उस पर क्लिक करने से क्या होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो यूज़र के कार्ट में ऐड होगा। अब कार्ट के लिए या तो हम लोकल स्टोरेज का यूज़ करेंगे या फिर हम फायरबेस का यूज़ करेंगे। तो इधर भी मुझे सजेस्ट करना कि क्या करना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी अगर आपको वेबसाइट इम्प्रूवमेंट की सजेशन देनी है या भी कोई फीचर ऐड करवाना है या किसी टॉपिक को आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे बताएं, मैं उसको ज़रूर कवर करूंगा। प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करवाने के बाद मेरे पास एक फुटर है, कॉपीराइट 2024 ट्रेडमेट मेरी एप्लीकेशन का नाम है, आपको दूसरा नाम यूज़ कर लेगा। तो बातें बहुत हो गई, अब हम कोडिंग शुरू करते हैं और ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको एक स्क्रैच से एप्लीकेशन बनाएंगे, वहाँ पे हम इन प्रोडक्ट्स को शो करवाते हैं। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैं वाइट का यूज़ करने जा रहा हूँ और मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप वाइट का यूज़ करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड और फास्ट है।
तो जिस फोल्डर में आपने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है उसको आप वीएस कोड से ओपन कर लें। npx create white at latest using this command आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट नेम आपसे मांगेगा तो यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नेम प्रोवाइड करें। ई कॉमर्स ऐप ट्यूटोरियल ये मैंने नेम इसका प्रोवाइड किया। मैं यहाँ पे रिएक्ट का यूज करने जा रहा हूँ और यूजिंग जावास्क्रिप्ट। और ये बेसिकली इसने यहाँ पे मेरा एक फोल्डर क्रिएट कर दिया ई कॉमर्स ऐप ट्यूटोरियल। तो अब मुझे सीडी करके इस फोल्डर में आना है और यहाँ पे हम अब वाइट और रिएक्ट की डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करेंगे npm इंस्टॉल। ये मेरी तमाम डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो गई। अब मैं npm रन डेफ करके तो ये मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। npm रन डेफ करके आप अपने प्रोजेक्ट को ब्राउजर में व्यू कर सकते हैं।